यार कल चोरनी गाना रिलीज हो चुका है, वो भी ऑफिशियल सिद्धू मूसे वाले चैनल के ऊपर। सो कैसी वीडियो क्रिएट की गई है और 3D इमेज कौन सी है और यार कैसे क्रिएशन हुई है, सारी के सारी इस वीडियो में आपसे मैं आपको बताने वाला हूँ। सर वीडियो को फुल से लेके एंड तक देखना। चलो यार शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सो ये माई यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूँ आपका प्यार देवव्रत राव और आप देख रहे हो प्यार सी वीडियो। सो आज हम बात करने वाले हैं चोरनी गाने के ऊपर। सर जैसे कि हम सबको पता है चोरनी गाना रिलीज हो चुका है 8 जुलाई 2023 को। जैसे कि हम सबको बहुत सारा वेट था चोरनी गाना कब रिलीज होने वाला है, और यार बहुत सारे लोगों की ये डिमांड थी कि भाई ओल्ड वर्जन की वीडियो डाली जाए, ओल्ड वर्जन के लिरिक्स डाल जाए। सर जितने भी भाई लोग चोरनी गाना सुन रहे हैं उनको ओल्ड वर्जन बहुत बढ़िया लग रहा है, न्यू वाले वर्जन में चेंजेस हुई है। सो यार जोन सी वीडियो में बात करते हैं, वीडियो में क्या कुछ चेंज किया गया है और क्या ये वीडियो पहले ही शूट हो गई थी सिद्धू भाई की डेट से पहले। सर आप आज वो ही बात करने वाले हैं। चलो यार वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट यार सिद्धू मूसे की, जैसे आप वीडियो देख सकते हो भाई की जब एंट्री होती है सर ऐसे लगता है भाई की ऑफिशियल पूरी की पूरी इन्होंने खुद शूट की हुई है रेल। सो भाई यहाँ पे वीडियो की स्टार्टिंग होती है, हमारा देखा जाता है कि सिद्धू भाई एकदम ऊपर से नीचे आते हैं। सो ये यहाँ पे एनिमेशन का 3D यूज किया गया है और बहुत ही ज्यादा यार ध्यान दिया गया है इनके एनिमेशन में, क्योंकि यार आप देख सकते हो बिल्कुल ही बिल्कुल A to Z यार यहाँ पे वर्क किया गया है, जो कि हम बोल सकते हैं एकदम रियल वर्किंग की है। यहाँ पे हम दूसरा देखते हैं, दूसरे में आप देख सकते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो एक मॉडल खड़ा है रेड कलर का, सिद्धू भाई जैसा लग रहा है। सर ऐसा नहीं है, ये 3D एनिमेशन ये भी वहीं से बनाई गई है। और मैं आपको बता दूं ये जो उनसे एनिमेशन है ये भाई एक सुख नाम का शायद से है, कोई इंस्टाग्राम यूजर है, उसने 3D एनिमेशन बहुत सारे सिंगर की बनाई है और वो बनाते रहते हैं अक्सर ही। और ये वाली एनिमेशन में इतना ध्यान दिया गया है कि लोगों को यार कोई कंफ्यूजन ना हो कि यार ये फेक है, ऐसे लग रहा है कि भाई पहले ही वीडियो शूट हो चुकी थी और यार ये गाना बहुत जल्द ही बना दिया था। सर दूसरी यहाँ पे बात कर लेते हैं, सिद्धू भाई का जो सा मॉडल है अभी आप ब्लैक कपड़ा देख रहे होंगे, ब्लैक जैकेट में सिद्धू भाई ऐसे वॉक कर रहे हैं। सो यार ये वाला जो सा सीन है ये शायद से मेरा ना जो सा मेरा ना है उसमें एक लड़के ने काम किया गया है, जैसे कि आप सर देख सकते हो ये हूबहू एकदम ही हाइट वेट जो भी कह सकते हैं पर्सनैलिटी के हिसाब से सिद्धू भाई की एकदम ही कॉपी लगता है। सो इसलिए यार उसको यहाँ पर यूज किया गया होगा क्योंकि एक ही दम लग रहा है कि भाई वो रियल है। सर रियल लुक लग रही है इसलिए मैं कह रहा हूँ। वैसे सर यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे वो गोली मार रहे हैं, एक जो उनसे फौजी हैं सारे के सारे एक गोली मार रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूज और हेटर्स। तो मैं आपको वो पार्ट दिखाता हूँ। सर यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है हेटर्स, शायद से ये उनके लिए होगा जिनको लग रहा होगा सिद्धू मूसे वाले का गाना नहीं आएगा, ताकि उनके वो गाना यार रिलीज किया गया है और यहाँ पे कहा है गोली मत्थे विच मारदा। सो यार जब कहा गया है कि गोली मत्थे विच मारदा तो यहाँ पे आप देख सकते हो न्यूज लिखा हुआ है न्यूज। सर इसका मीनिंग सीधा से हो सकता है जिन जो लोग न्यूज वाले पहले उनको बुरा बोलते थे फिर बाद में अच्छा बोलते थे उनको शायद से यहाँ पे टारगेट किया गया है, बाकी इससे आगे नहीं हमें पता है। सो अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रैक्टर जो कि हूबहू बन रहा है, स्टार्टिंग से लेके यहाँ पे बन रहा है वहाँ पे सारा का सारा उसका मैन्युफैक्चर हो रही है। सर शायद से ये हो सकता है कि ये जो उनका ट्रैक्टर का पार्ट है ये तो 3D एनिमेशन पहले भी बन चुकी थी, क्योंकि जब मेरा ना सॉन्ग आया था थ्रू ट्रैक्टर इसमें दिखाया गया था। आगे हम बात कर लेते हैं सिद्धू भाई की ट्रैक्टर को मुंबई में चलाने की, शायद देख सकते हैं यहाँ पर भी 3D एनिमेशन का यूज किया गया है, यहाँ पर भी कोई सीन रियल नहीं है। सो मैं आपको आगे बढ़ते हैं हम प्लेसेस की ओर, कहाँ कहाँ जगह पर ये गाना शूट किया गया है। सर सबसे पहली बात ये गाना दिखाया गया है मुंबई में, पूरा का पूरा 3D लुक है, कोई यहाँ पे रियल शूट नहीं हुआ है। और साथ में डिवाइन भी है, डिवाइन का आप देख सकते हो गाड़ी के ऊपर डिवाइन बैठा हुआ है और यार यहाँ पर वहाँ पे चल रहे हैं और साथ में ताज होटल है। सर सीधी सी बात है यहाँ पर उनकी बीट के हिसाब से गाना और लोकेशन बिल्कुल ही मैच कर रही है, जो कि एक अलग लुक दे देती है गाने को कम्पीट करने के साथ बाकी कॉम्पिटिटर के साथ। सर यहाँ पर बहुत कम नहीं है, यहाँ पे इन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट दिए गए इस। यहाँ पे आप देख सकते हो सिद्धू भाई को अभी बनाया जा रहा है, मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, जैसे गाने में कहा हुआ है रिफाइंड। सर वहाँ पे उनको बनाया जा रहा है, ये मतलब कह सकते हैं ना एक बहुत ही ज़्यादा जो उनसी फैक्टेबल अट्रैक्टिव लुक आती है वो लुक यहाँ पर दी गई है। और यार जितने भी ये सोच रहे हैं कि भाई लोग यार ये रियल है, उसमें आपको एक बात क्लियर कर दूं कोई सीन यहाँ पे रियल नहीं है, बस एक सीन रियल हो सकता है वो है जोनसा की सिद्धू भाई का ब्लैक जैकेट में, उसके अलावा और कोई सीन रियल नहीं है। और यार बाकी प्लेस की बात करें तो यार एक गाना पंजाब, ये सीन एक सीन पंजाब में भी शूट हुआ है, जो कि शायद से डिवाइन ने पंजाब में आकर शूट किया होगा, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं वो ट्रैक्टर के साथ है और साथ में किड्स भी है किड। सो यार आप देख सकते हो किड भी भाई साथ में ही है, शायद से यार उनका भी कोई रोल है इस गाने में, क्योंकि कहा गया है कि किड भाई ने हेल्प की है बहुत सारा वीडियो में, सो उनका भी रोल होगा। सो आगे हम बात करते हैं कहाँ कहाँ पे सिद्धू मूसेवाला लिखा गया है। सर यहाँ पे एक प्लेन आता है स्टार्टिंग में, प्लेन में आप देख सकते हो लिखा गया हुआ है सिद्धू मूसेवाला।
और यार यहाँ पर अभी तीन हेलीकॉप्टर आपको दिख रहे होंगे, ये तीनों के तीनों भी फेक है, 3D बनाए गए हैं, इसमें भी रियल नहीं है। और यहाँ पे भी सिद्धू भाई की दिखते हैं और हमें डिवाइन भाई भी दिखते हैं। सर सीधी सी बात है, इन्होंने इतना लुक दे दिया है कि गाने के ऊपर कि अगर कोई भी गाना सुने तो यार उसको ये नहीं लगना चाहिए कि भाई अभी के है नहीं, ऐसे लग रहा है हूबहू यार भाई है। और यार एक और बात करेंगे हम, डिवाइन यार डिवाइन ने ये गाना कुछ 5-6 महीने अपने लाइव कॉन्सर्ट में लीक कर दिया था, जो कि शायद से यार लोगों को नहीं पसंद आया। लोगों ने बोला यार उतनी वैल्यू आप है उन भाई की, तो यार आप ऐसे गाना रिलीज कैसे कर सकते हो। यार वो एक फैन बेस नहीं बनाना चाहते थे, उन्होंने बनाया नहीं। फिर उसके बाद उन्होंने परमिशन ले ली थी उनके फादर सिद्धू मूसेवाले के रिलीज करना है। यार ये 5-6 महीने पहले ही उनकी हो गई थी स्टार्टिंग गाना बनाने की, जब मेरा ना गाना आया था तभी शायद से ये वीडियो की भी स्टार्टिंग हो चुकी थी। और यार अभी देख सकते हैं 3 महीने के अंदर, जहाँ 3.5 महीने के अंदर यार यहाँ पर आ चुका है सिद्धू भाई का एक नया गाना चोरनी। ना कि अगर देखा जाए ओल्ड वर्जन और न्यू वर्जन, यार न्यू वर्जन में बहुत ही सारा चेंज किए गए जो कि शायद से लोगों को नहीं पसंद आया, जो कि सच में यार मेरे को भी नहीं पसंद आया। सिद्धू भाई की जो उनसे बीट है वो बीट एकदम होती है भाई, हैवी बीट होती है, थोड़ा अट्रैक्टिव बीट होती है कि लोग जब सुने तो उनको पता लगे भाई यार आवाज़ कितनी, वोकल्स वगैरह बहुत कुछ चेंज किया गया है। सो यार यहाँ जहाँ तक देखा जाए नहीं सही बना रहा था। सो यार उसके साथ एक जो कि नाराजगी थी ये न्यू वर्जन के साथ, वो भी क्लियर कर दी गई है सिद्धू मूसेवाले के ऑफिशियल चैनल पर, ये वीडियो रिलीज हो गई है, वीडियो साथ में ओल्ड वर्जन सॉन्ग रिलीज हुआ है। सो यार देखा जाए तो यार मतलब बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग गाना बना है। बाकी आप कमेंट्स में बताओ यार गाना कैसा बना है। सो यार लाइक कर देना वीडियो को, शेयर कर देना कमेंट भी, और मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो मारना मत भूलना, यहाँ पे आपको साइथन आईडी दिख रही होगी, देव77 से आप फॉलो मार सकते हो। ऐसे ही अमेजिंग और ट्रेंडिंग वीडियोस के लिए फॉलो करो यार, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।